अध्याय चार। सो हम क्या कहें कि हमारे शारीरिक पिता इब्राहिम को क्या प्राप्त हुआ? यदि इब्राहिम कामों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? ये कि इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। काम करने वाले की मजदूरी देना दान नहीं परंतु हक समझा जाता है, परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है उसे दाऊद भी धन्य कहता है कि धन्य वे हैं जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। धन्य है वो मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी ना ठहराए। तो ये धन्य कहना क्या खतना वालों के ही लिए है या खतना रहितों के लिए भी? हम ये कहते हैं कि इब्राहिम के लिए उसका विश्वास धार्मिकता गिना गया, तो वो क्यों कर गिना गया? खतने की दशा में या बिना खतने की दशा में? खतने की दशा में नहीं, परंतु बिना खतने की दशा में। और उसने खतने का चिन्ह पाया कि उस विश्वास की धार्मिकता पर छाप हो जाए जो उसके बिना खतने की दशा में रखा था, जिससे वो उन सब का पिता ठहरे जो बिना खतने की दशा में विश्वास करते हैं, और कि वे भी धर्मी ठहरे और उन खतना किए हुओं का पिता हो। चुना केवल खतना किए हुए हैं, परंतु हमारे पिता इब्राहिम के उस विश्वास की लीक पर भी चलते हैं जो उसने बिन खतने की दशा में किया था, क्योंकि ये प्रतिज्ञा कि वो जगत का वारिस होगा ना इब्राहिम को ना उसके वंश को व्यवस्था के द्वारा दी गई थी, परंतु विश्वास की धार्मिकता के द्वारा मिली। क्योंकि यदि व्यवस्था वाले वारिस हैं तो विश्वास व्यर्थ और प्रतिज्ञा निष्फल ठहरी। व्यवस्था तो क्रोध उपजाती है, और जहां व्यवस्था नहीं वहां उसका टालना भी नहीं। इसी कारण वो विश्वास के द्वारा मिलती है, कि अनुग्रह की रीति पर हो कि प्रतिज्ञा सब वंश के लिए दृढ़ हो, ना कि केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाला है, वरन उनके लिए भी जो इब्राहिम के समान विश्वास वाले हैं। वही तो हम सबका पिता है, जैसा लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे हैं, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा वो बहुत सी जातियों का पिता हो। और वो जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई की सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ, ना उसने अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर उसने परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वो उसे पूरी करने को भी सामर्थी है। इस कारण ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। और ये वचन कि विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया ना केवल उसी के लिए लिखा गया, वरन हमारे लिए भी जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुओं में से जिलाया। वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया।